वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू मेथी। आलू मेथी बनाने के लिए हमने ली है आधा किलो मेथी, 300 ग्राम आलू, 2 मीडियम टमाटर इसे हमने बारीक काट लिया, एक बड़ी कटोरी तेल, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, एक छोटा टुकड़ा अदरक का जो हमने बारीक काट लिया, 5 से 6 हरी मिर्चें इसे भी हमने काट लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 3 साबुत लाल मिर्च, 1 छोटी प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया। सबसे पहले हमने तेल गरम करने रख दिया था, तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, इसमें हम साबुत लाल मिर्चें डाल देंगे और इसे फ्राई कर निकाल लेंगे और इसे हाथ से मसल लेंगे। तेल हमारा गरम है, हमने इसमें अभी मिर्ची फ्राई करके निकाली है, अब हम इसी तेल में लहसुन डाल देंगे, लहसुन हमने बारीक काट लिया है, हम इसमें इसे डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। लहसुन हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज भी हम लाइट ब्राउन होने देंगे। लहसुन और प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। हमारे लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें कटे हुए अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। अदरक हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। टमाटर को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। मेथी हमने तोड़ ली थी और इसे धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। हमने इसका 3-4 पानी निकाला है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। सभी मेथी इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मेथी हमारी अच्छे से मिल गई है, अब हम इसमें साबुत लाल मिर्ची जो हमने फ्राई की थी उसे मसल के रखा था वो इसमें डाल देंगे, साथ ही हम इसमें नमक और हल्दी भी डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम बढ़ती भी कर सकते हैं। सभी मसाले अच्छे से मेथी में मिल गए हैं, अब हम इसमें 1 छोटी कटोरी पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने तक पकने देंगे। हमारे कुकर में 3 सीटियां आ गई हैं, अब हम मेथी को खोलकर देखेंगे, ये हमारी अच्छे से पक गई है, अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसी भुनाई करेंगे। हमारी मेथी को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मेथी में मिला लेंगे। आलू बहुत अच्छे से मेथी में मिल चुके हैं, आप चाहो तो इसे ऐसे ही ढककर 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी ली है, इससे आलू बहुत अच्छे से गल जाते हैं और इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। आलू मेथी हमारी पककर तैयार है, हमने इसे डिश में निकाल लिया है। हमने इस पर ऊपर से थोड़ा सा बटर और थोड़ा पिसा गरम मसाला डाला है, आप चाहो तो इस पर देसी घी भी डाल सकते हो। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है और जायके में भी बहुत अच्छी होती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।